और शुरू से ही हमारे पास ये गन्ना छिलाई कर रहे हैं, काफी बढ़िया गन्ना छीलते हैं। मतलब ये है कि एक आदमी 30-30 क्विंटल तक गन्ने छील देता है, इतनी इनकी कैपेसिटी है दोनों की, और काफी बढ़िया गन्ना हमारा निकला इस बार। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। भाइयों सबसे पहले तो आप सभी को हाथ जोड़ के मेरा राम राम, और दूसरा आप सब भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 की शुरुआत हो चुकी है और आज शाम का समय है। ये हमारा खेत है पेड्डी का, हमारी सिर्फ 9 बीघे पेड्डी रहेगी और उस 9 बीघे पेड्डी में 3 बीघे पेड्डी ये है, 6 बीघे पेड्डी एक खेत आगे है। और इस पेड्डी का भैया श्री कृष्ण भैया दिखाओ इधर को, ये काफी बड़ा गन्ना हो गया था, हवा में जिसे पानी दिया तो ये गिर गया, तो काफी अच्छा ये खेत हो रखा और हम इसमें तिबरसी पिट्टी छोड़ देंगे। दूसरी बात, कुछ किसान भाई सोचते हैं कि हमने अगर जल्दी छोल लगा दी, जल्दी अपने गन्ने की छिलाई कर दी तो हमारी पिट्टी नहीं फूट के आती है, हमारी पिट्टी में पोगे नहीं चलते, ऐसा नहीं है। आज जनवरी का स्टार्टिंग है 2024 का और आज इस खेत में गन्ने की स्टार्टिंग शुरू होगी है कटाई, और आप ये देखना ये 9 की 9 बीघे पिट्टी बहुत बढ़िया निकलेगी। पिछली बार जो मेरी पिट्टी तिबरसी थी उसका एवरेज भी बढ़िया आया, इस बार उससे भी अच्छा आएगा। सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी कैसे है। एक बार फिर से आपको जो है मैं हार्दिक बधाई देता हूँ नए साल की, आप सभी को ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। भाइयों देखो अब शाम का समय हो चुका है इसलिए थोड़ा सा वीडियो साफ नहीं आएगी, लेकिन क्या है कि अब देखो इसमें कटाई शुरू होगी। ये हमारे श्री कृष्ण भाई हैं, ये लखीमपुर सीतापुर जिले से हैं और ये शिव कुमार भाई हैं, दोनों जो है गन्ना काटेंगे और शुरू से ही हमारे पास ये गन्ना छिलाई कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया गन्ना छीलते हैं। मतलब ये है कि एक आदमी 30-30 क्विंटल तक गन्ने छील देता है, इतनी इनकी कैपेसिटी है दोनों की, और काफ़ी बढ़िया गन्ना हमारा निकला इस बार और साल से बेहतर है, कुछ ज़्यादा ही निकला, कम नहीं निकला, हर साल का एवरेज जो था उससे कुछ हटके ही है इस बार। बाकी आपको मैं पेड्डी दिखा दूँ अपनी, ये मेरा पेड्डी गन्ना है, ये गिर गया क्योंकि इसमें काफ़ी वजन है ऊपर, जब गन्ना बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा होने के बाद ये गिर गया। भाइयों कहावत है कि जो गन्ना गिरता है वही गन्ना किसान को उठाता है, गिरता वो है जो लंबा हो जाता है ज़्यादा और वजन जिसमें होता है, ऐसा नहीं है कि गन्ने गिरने के लिए छोड़ दो, नहीं, इसकी मैंने 4-4 बंधाई करा रखी, 4 बंधाई करने के बावजूद ये गन्ना गिर गया। श्री कृष्ण भाई एक बात बताओ, जैसे गन्ना उठा रहे हो तो वजन है कि नहीं है? वजन है यार, है? बहुत वजन है। सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना, वजन है यार। पक्का? पक्का। बहुत बढ़िया, राम का नाम लेकर लग जाओ, है? हाँ, तिबरसी पेड़ी रहेगी इसमें बराबर जो है, बढ़िया पत्ती वत्ती फैला के सही करना, ठीक है? हाँ अभी तो थोड़े से ही काटोगे? हाँ भैया देखो क्योंकि दिन छिप गया, बिल्कुल बादल है आज, थोड़े से मौसम गमगीन है, और ये हमारे पड़ोस में जग्गू भाई हैं, उनका पौधा है काफी बढ़िया खड़ा, और भाइयों देखो बराबर में ये हमारा पौधा है, ये मेरा मेथे का खेत था, इस खेत में मैंने सबसे कम लागत लगाई है, ना के बराबर, स्प्रे भी इसमें एक ही कराया है और खाद भी इसमें एक बार डाला है मैंने, एक बार बुआई के समय डाला था और दूसरा बीच में एक बार और डाला। बाकी देखो इसकी मेड़ लग गई गन्ने की, देखो दो दो मेड़े मैंने इसमें मिलवा दिए, और ये मई के मिड की सोइंग है। इस खेत के अंदर मैंने गन्ने की क्वालिटी बना के देखी है क्योंकि मुझे इसमें बीज रखना है, अब कल को वीडियो बनाऊंगा तब दिखाऊंगा क्योंकि ये अंधेरा हो गया नहीं दिख सकता। गन्ना देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बीज के मतलब का गन्ना है, बहुत ही छोटी छोटी इसकी पोरियाँ हैं, मोटी मोटी आँख है, इसी में से मैं बीज की बुआई करूँगा और अपना गन्ना इस बार मैं सारा का सारा ज़्यादातर ट्रेंच मेथड से बोऊँगा, क्योंकि इस बार मेरा ट्रेंच की पेड्डी बहुत बढ़िया निकली, मैं वीडियो नहीं बना सका किसी कारणवश, तो इस बार मुझे घर से भी इजाज़त मिल गई कि ठीक है छोटा गन्ना बो, क्योंकि मैंने उनको पौधा गन्ना दिखाया वो भी अच्छा निकला, पेड्डी गन्ना भी मेरा बहुत ही बढ़िया निकला। और भैया इन्होंने छोला, मैं आपको देखो सबूत दिखा दूँ बता दूँ, ये तो झूठ नहीं बोल लेंगे, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। तो श्री कृष्ण भाई, शिव कुमार भाई एक बात बताओ, पहले एक मिनट मुझे, जो आपने वो गन्ना पेड्डी छिल्ली जो चोड़ी थी ट्रेंच मेथड की, उसमें गन्ना कैसा निकला? बढ़िया। बढ़िया। और जो दूसरी छिल रहे हो पेड्डी, उससे अच्छा था कि उससे खराब था? बढ़िया,
उससे बढ़िया गन्ना है। हाँ। मतलब लंबा भी था और मोटा भी था। हाँ। क्यों श्री किशन भाई? हाँ। सही बात है कि गलत है? सही, सही। उसमें गन्ना अच्छा निकलता है ना? अच्छा निकलता। तो इस बार गन्ना सारा चौड़ा बोएंगे, ठीक है भाई? ये देखो, ये लखीमपुर से सीतापुर जिले से छोलने के लिए आ रहे हैं हमारा गन्ना। इतनी दूर से बेचारे आ रहे हैं, ये भी अपना जो है घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के कमाने के लिए, काम करने के लिए। तो इनका भी भैया धन्यवाद ही है। इस बार समस्या बहुत रही, सब किसान छोलने को जो है बहुत मुश्किल मिल रही है अब के, पर फिर भी चलो ठीक है। तो जी वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए अच्छा हो और अच्छे से सब अपनी खेती करें, अच्छे से देखभाल करें, खूब अच्छी तरह गन्ना छिलाई करें। और गन्ना इस बार ठीक ही निकल रहा, ख़राब नहीं है। और इस बार सबसे बढ़िया बात है, मील का भी मील पर्ची बहुत बढ़िया दे रहा, पर्ची बहुत अच्छी दे रहा मील, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाइयों अंधेरा हो गया, आप देखो वीडियो बनने में दिक्कत हो रही। तो नमस्कार, राम राम, धन्यवाद, जुड़े रहिए।